हालात है व्यूअर जी, गिर चुके हैं, हमारा जो कंप्यूटर था वो टूट चुका है आधा। हम अपने एक दोस्त का घर तलाश कर रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पर घर भी नहीं मिल रहा है जंगलात में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो वीवर आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। और वीवर अभी मैं पहुंच चुका हूँ कॉलेज में, मैंने सोचा यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर दें। तो वीवर अभी हम चलने वाले हैं यहाँ से सीधा रंगपुर और नूरपुर की तरफ। ये हमारे साथ हैं एक कामरान और ये उजैर, इनका घर वहीं है। चलते हैं यहाँ से, यहाँ से हम ना जो बाइक की हवा है ना वो देख रहे हैं। ये ठीक है चाचा, मेहरबानी, अभी चलते हैं। वीवर इस टाइम हम अली खेल पर पहुंच चुके हैं। अली खेल जिला बकर का आखिरी शहर है, इसके बाद जिला खुशाब शुरू हो जाता है। और ये है वो चेक पोस्ट यानी कि अली खेल वाली चौकी। आगे मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, ये है आगाज हदूद। तो वीवर अभी हम जिला खुशाब में दाखिल हो चुके हैं, इसे पीछे बकर है और अभी हम खुशाब में दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद व्यूअर आगे आ जाती है रंगपुर वाली जो नहर है, ये है रंगपुर वाली नहर। तकरीबन इससे एक दो किलोमीटर आगे रंगपुर आ जाता है, ये एक किलोमीटर लिखा हुआ है। ये है रंगपुर वाला स्कूल और रंगपुर जिला खुशाब का यानी कि लास्ट कह दें और इस तरफ से पहला शहर आता है। और ये जो रोड हम लेकर जा रहे हैं ये सीधा नूरपुर की तरफ जाता है। और अभी हम चलते हैं अपने दोस्त के घर। वेलकम बैक व्यूअर, तो अभी हम रंगपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ हमारे दोस्त का घर था, इसके घर के बाहर आ चुके हैं और ये बाहर भी नहीं निकल रहा। अब हम आवाज लगाने वाले हैं बड़ी, फैसल तीसरे जिले में आकर हम इस तरह से आवाज लगाएंगे। तो उसने कहा मैं अभी आने वाला हूँ, लेकिन इस टाइम तो जो बैठक है उसको ताला लगा हुआ है, वो लड़का कॉल कर रहा है। तो अभी बार ये आ चुका है तकरीबन 5 मिनट वेट करने के बाद, लेकिन उसके अभी ना हमारे साथ वो कॉलेज से आया है घर वापस और हम भी इसके पीछे आ गए हैं। ये देखे जो कमीज है इसकी उतारी है। यार सलाम वालेकुम, तबिया से तो गर्मी है बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर करते हैं कुछ वेट और फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये हालात है व्यूअर, ये गिर चुके हैं, हमारा जो कंप्यूटर था वो टूट चुका है आधा। ये हमारा ड्राइवर है यार, यहाँ से इसने काट लगाई और ये हालात हो चुके हैं। हम अपने एक दोस्त का घर तलाश कर रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पर घर भी नहीं मिल रहा है जंगलात में। उसे शर्ट और ट्राउजर जो है ना वो लेनी थी, वो हमें मिल भी नहीं रहा। उसका घर कहाँ है पता कर यार, उसका आवाज़ लगाओ कोई। अभी हमें घर मिल चुके हैं, ये वाला घर है, उसे लगा रहे हैं, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। आवाज़ लगा यार, अलियो ठीक ठीक पहुंच चुके हैं अभी अली के घर। ये है वो अली का घर, तो इस चाचू का नाम भी अली है। हमने दुकान वाले से पूछा अली का घर कहाँ है, उसने इसके घर भेज दिया। तो अब पता चला कि वो जो अली है ना वो और है, वो इसका घर है, ये बैठक है उनकी। तो वीवर हम अली का घर तलाश कर करके थक चुके हैं। पहले उस घर गए, वहाँ एक और अली था, उसको बाहर बुलाया, उसे हम तो देख के हैरान हो गए। तो उसने हमें बताया कि ये उसका ना बैठक वगैरह है। अब यहाँ पर आ गए लेकिन आवाज़ें लगा लगा कर हम थक चुके हैं। ये टावर है कोई बहुत बड़ी इनकी निशानी, यहाँ पर नेट की क्या स्पीड होगी यार। तो वीवर आज ना मलिक के साथ प्रैंक करने वाले हैं। ये आ चुका है बाहर की तरफ लेकिन इसको नहीं पता कि बाहर कौन आए हुए हैं, क्योंकि अंदर ना हमने लड़की को भेजा था और उसको कहा कि बाहर ना आपको आदमी बुला रहे हैं। तो ये अभी आ रहा है, इसके साथ प्रैंक करने का चक्कर था कि पहचान सकते हैं या नहीं। ओ बड़ा घर ही नहीं लगता सन के, ये कितने घर लोग आई रही है, हमने कहा कि अली का घर कहाँ है, इस अली का बता दिया किसी ने। ठीक है दादा, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, ठीक हो ना, मेहरबानी। तो व्यूअर जी आ चुका है वो अली जिसकी वजह से हम तकरीबन आधा घंटा यहाँ जलील हुए हैं। और व्यूअर आज हमने इनको बताया नहीं, आज हमने इनको अचानक सरप्राइज दिया है। ये आ चुका है व्यूअर शाहजैन, तबीयत से ठीक है, अली की वजह से आज ना हमें बहुत ज्यादा टेंशन। और तबीयत से अभी बार अभी यहाँ से चलने वाले हैं हम कुछ ही देर बाद, यहाँ से एक दो पिक्चर बनाते हैं। तो अभी और अभी यहाँ पर फोटो वीडियो बनाते हैं और इसके बाद इनसे इजाज़त लेते हैं और चलते आगे की तरफ, क्योंकि हमने जाना है पीलो वैंस। और पीलो वैंस तकरीबन यहाँ से अभी 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर सफ़र बाकी है और इसके बाद चलते हैं आगे। वेलकम बैक व्यूअर, तो व्यूअर अभी हम नूरपुर वाले रोड पर आए। ये देखें हर तरफ यानी कि हम इसको खगल कहते हैं और ये खगल के दरख्त हैं, क्या खूबसूरती है, ये देखें, ये चेक करें। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पहले रंगपुर थे, वहाँ हमारे दोस्त थे, उनके पास बैठ रहे गपशप लगाई और अभी जा रहे हैं नूरपुर की तरफ।
और पीछे है रंगपुर और ये देखे हमारी जो टोपी थी ना कैप वो गिर चुकी है, उसको उठाते हैं और वो वहाँ खड़े हैं। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना ये यानी कि नूरपुर थल वाले इलाके से आ रही हैं, कहते हैं थल का इलाका। वेलकम बैक व्यूअर, तो पहुँच चुके हैं अपने दोस्त कमरान के घर। ये आप देख रहे होंगे कि बाहर स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन ये स्कूल नहीं है, ये बैठक है। हाँ पहले स्कूल हुआ करता था, लेकिन आप ये बैठक बनाई हुई है मुस्लिम मॉडल पब्लिक स्कूल वडला वाला। ये रंगपुर से तकरीबन 2-5 किलोमीटर आ गया, यहाँ आ चुके हैं। यहाँ हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये देख ये क्या कहते हैं, बाड़ वगैरह लगाई हुई है कि इन जो दरख्त है ना पौधे वगैरह उनको कोई बकरियाँ वगैरह या जानवर खराब ना करें। ये बाइक हमने खड़ा कर दिया, अभी चलते हैं अंदर अंदर गपशप लगाते हैं और जो जो माहौल होगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सर एकेडमी सिस्टम चलता है अभी? अच्छा, बच्चे तो ट्यूशन पर अभी वक्त पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है जो हम लेकर आए, और यहाँ पर मोबाइल हमारा चार्ज करते हैं, कोई वेट करते हैं, सुकून करते हैं यहाँ पर। तो अभी वर अभी रोटी आ चुकी है, यहाँ पर रोटी खाते हैं और इसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। लेकिन आगे वाला जो व्लॉग है वो इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है, ये व्लॉग आपको उससे बाद मिलने वाला है, क्योंकि व्यूवर वो व्लॉग जो है ना ये व्लॉग बड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि उस व्लॉग को इस व्लॉग के अंदर ऐड नहीं करते, उसको अलग ही रख देते हैं। अब हमने नमाज पढ़नी थी तो हम यहाँ पर मस्जिद में आए, यहाँ पर नमाज पढ़ी। ये मैं आपको मस्जिद दिखा देता हूँ, ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। ये अभी इसका काम हो रहा है, ये देखें, और इसके साथ ना ये इसका मदरसा है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और ये यहाँ साथ ही थी वडला वाला में, इसको वडला वाला कहते हैं, वडला वाला कहते हैं। ये रंगपुर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आ गया है, इसके घर के साथ ही है। तो अभी और अभी हम यहाँ से ना रास्ते में गुजरे ना तो ये वो लिखा हुआ है माल कुरान मजीद के मुकद्दस और आग, ये आपको दिखा देते हैं, ये चेक करें। ये जो कुरान पाक के ज़ईफ होते हैं ना औराक, यानी कि टुकड़े कह दें, उन टुकड़ों को ना जब ये इकट्ठा होता है ना तो गांव में या इस तरह से ना वो जगह बनाते हैं एक जगह पर, कोई मस्जिद में भी रखते हैं, लेकिन इस तरह से असल जगह होती है माल कुरान मजीद के मुकद्दस औराक, वो ना इसके अंदर है, इसके अंदर है, यानी कि वो जमा करते हैं। ये इसके दो दरवाजे हैं, एक ये लगा हुआ है, ये देख लें, इसको ताला लगा हुआ है क्योंकि इसके अंदर अभी ना पड़े हैं, और दूसरा वो वाला है ऊपर, यानी कि अंदर रखने का रास्ता, वो देखें। ये दो जगहें जहाँ से यानी कि कुरान पाक के जो औराक हैं वो यहाँ पर रखते हैं, इसको कहते हैं महल कुरान मजीद के मुकद्दस औराक। वेलकम बैक वीवार, तो वीवार अभी यहाँ से चलने वाले हैं। ये ना अंगूर की वल्लियाँ हैं, ये देखें अंगूर पे, ये देखें छोटी छोटी हैं, और ये पौधे वगैरह हैं वो नींबू है, लीमू माल्टे वगैरह भी यहाँ पर हैं, ये चेक करें। ये एकेडमी है यहाँ अंदर, ये स्कूल बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर ना एकेडमी वगैरह बनाई हुई है, और जो मेरा दोस्त है उसका भाई ये टीचर है, यहाँ पर स्टडी वगैरह कराता है और बैठक वगैरह भी साथ है। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंबार की तरफ, मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ये चेक करें, हल्की हल्की सी ठंडी हवाएँ आएँ। ठीक हो सर जी? बहुत शुक्रिया, मेहरबान। ठीक है छोटे, वीडियो आ गई आपकी भी, ठीक हो गए। तो अब यहाँ भी बार जाने वाले हैं बाइक पर उज़ैर के घर। अच्छा, तो लड़का रात हमारे साथ यहीं पर था, हमारा दोस्त उसके साथ ही जा रहे हैं, उसके घर चलते हैं, उससे इजाज़त लेते हैं, फिर चलते हैं घर। अच्छा, तो पहुंच चुके हैं अपने दोस्त के घर, वो उसका सामने घर है, आवाज़ लगाते हैं यहाँ से। ये बैठक वगैरह यही है? ये बैठक वगैरह है। तो अभी बार वो जो दादा उज़ैर वो घर नहीं था, फिर हमने ली उससे इजाज़त कॉल पर, अभी चलते हैं। तो व्यूअर अभी हम पहुंच चुके हैं रंगपुर अड्डा में, और यहां से कोई गाड़ी पकड़ते हैं और फिर चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ। तो उम्मीद है कि आपको आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर व्यूअर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।